उपस्थित सभी मान्यवर भाई और बहनों, सबसे पहले मैं चांसलर के रूप में आदरणीय भूषण गवई जी को और विशेष रूप से अनिल किल्लोर जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस यूनिवर्सिटी का काफ़ी अच्छा काम सुंदर तरीके से उन्होंने पूरा किया है, इसलिए उनको और उनके सभी सहयोगियों का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। जब इस यूनिवर्सिटी के निर्माण के बारे में जस्टिस बोबड़े जी ने मुझे और देवेंद्र जी को बुलाया था और उस समय देवेंद्र जी ने इस यूनिवर्सिटी के लिए वो निधि भी मंजूर करके दिया, उस समय महाराष्ट्र सरकार ने काफ़ी अच्छा योगदान किया और उसके बाद में यूनिवर्सिटी में आने वाली दूसरी सरकार ने भी सहयोग किया। आज मुझे खुशी है कि जब पहली बार मैंने प्रेजेंटेशन देखा तो बोबड़े साहब के सामने देखते हुए मेरे मन में काफ़ी डाउट्स थे, क्योंकि थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का होने के नाते मैं देख रहा था कि ये कैसे बनेगा। तो आज मुझे देखने के बाद लगा कि प्लान भी अच्छा है, एग्जीक्यूशन भी अच्छा है और PWD के लोगों को भी धन्यवाद देने का मौका कम मिलता है तो उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि काम ठीक हुआ है। ये यूनिवर्सिटी स्टेट ऑफ आर्ट यूनिवर्सिटी है। इट इज़ ए ग्रेट प्लेजर एंड प्राइड फॉर ऑल नागपुरियंस दैट वी हैव दिस यूनिवर्सिटी एंड नाउ नागपुर इज ए हब फॉर एजुकेशन। वे आर इंजीनियरिंग कॉलेज, एम्स, सिम्बोसिस, देन IIIT, ऑल टाइप ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज आर नाउ अवेलेबल इन द नागपुर एंड द लॉ यूनिवर्सिटी इज रियली वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज गिविंग द नॉलेज ऑफ लॉ टू द स्टूडेंट ऑफ नॉट ओनली ऑफ नागपुर बट ऑफ द होल कंट्री। सर, हमारे पास अभी सिम्बोसिस ने भी लॉ का काम शुरू किया है और अभी हम लोग नर्सिंग मुंगी को भी नागपुर में लाने का देवेंद्र जी और मैं प्रयास कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से हिंदुस्तान के सभी एजुकेशनल फैसिलिटीज नागपुर में हो और मिहान में अब IT इंडस्ट्रीज भी आई है, विशेष रूप से TCS से लेकर डोसाल तक और टेक महिंद्रा से लेकर SCL तक काफ़ी बड़े प्रमाण पर यहाँ IT कंपनीज भी आई है। अभी तक 56,000 विदर्भ और नागपुर के युवाओं को मिहान में रोजगार मिला है और 2 साल में कम से कम इसको 1 लाख को क्रॉस करने की हमारी सबकी इच्छा है। और एक अच्छी बात हुई है कि नागपुर से आने वाला जो रोड है ये 4 लेन है, अब इसको मैंने 6 लेन मंजूर कर दिया है और खापरी के उड्डान पुल से जैसे खत्म होता है नया उड्डान पुल शुरू होगा, उसमें फिर से नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो आएगी और वो जो बूटीबोरी तक जाने वाली है और उसमें विशेष रूप से वो हमारे जामठा के स्टेडियम के आगे ब्रिज उतरेगा। उसके बाद में जब इसका प्रेजेंटेशन मेरे पास हुआ तो मैंने DPR में ये भी इंक्लूड कर दिया है कि यहाँ से यहाँ आने के लिए, वापस आने के लिए, यहाँ यूनिवर्सिटी आने के लिए इस ब्रिज के आगे एक स्पेशल जंक्शन भी सैंक्शन किया है जिसके कारण जाते और आते समय आपको क्रॉसिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देवेंद्र जी ने आपको कहा है पैसा कम नहीं पड़ेगा, वो पूरा देंगे ही, पर मैं थोड़ा सा उसमें आपको, उनको और आपको प्रार्थना करूंगा कि ये बहुत अच्छी बात हुई कि आपने 50 करोड़ रुपए स्टेट बैंक से कर्जा लिया। जब आप मेरे पास आए थे तब मैंने आपको कहा था कि ये करेक्ट मॉडल है। ये समीर मेघे बैठे हैं सामने, इनके काफ़ी नज़दीक से इस परिवार से मेरा संबंध है। मेघे साहब ने रविनगर में फार्मेसी कॉलेज निकालने के लिए स्टेट बैंक से 5 करोड़ रुपए लोन लिया था और लोन लेते लेते उनका ग्रुप आज 2,000 करोड़ का हुआ है। तो ये जो सरकार में दिक्कत है कि हर चीज़ सरकार के पैसे से करना, ये उचित भी नहीं है और उसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मैंने बैठे बैठे आपसे बात करके निकाल लिया कि आपका फीस का इनकम कितना है और स्टेट बैंक ने आपको 50 करोड़ रुपए दिए, उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे,
पर मुझे लगता है कि ये पैसे आप वापस कर रहे हो, शायद आपने 5-7 करोड़ वापस भी कर दिया, तो आपको ये पैसा वापस करके नए 50 करोड़ और लेके जो फीस का स्ट्रक्चर है इसमें आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो अभी कभी कभी मैं मजाक में कहता हूँ कि बिना अनुदान ये सरकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। आजकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बहुत अच्छा है, तो सरकार का कैपिटल बीच कैपिटल करके यूज करके आप अगर लोन निकालते रहोगे तो आप यूनिवर्सिटी 1000 करोड़ की 1500 करोड़ की बना सकोगे। देखिए जो गरीब है उसको फुकट में देना है और जो दे सकता है उससे लेना है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो मुझे लगता है देवेंद्र जी के कोई पैसे कम नहीं होंगे, जितने आप मांगेंगे वो देंगे, नहीं तो मेरे कहने से इसका अर्थ ये नहीं निकलना चाहिए कि देवेंद्र जी बोलेंगे कि अब नितिन जी ने ये मार के बताया तो ग्रांट देने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है, वो निश्चित रूप से देंगे। पर आगे का इसका जो एक्सपेंशन है और बड़ा बनाइए, लो मिस क्राइम। मैं रोड में काम करता हूं तो मैं कभी पैसे की बात ही नहीं करता, मेरे बजट 1,20,000 करोड़ का और मैं रोड हर साल 5 लाख करोड़ के बनाता हूं, तो मैं मोनिटाइज करता हूं और मुझे कोई पैसे की कमी नहीं है। अब बैंक के चेयरमैन मुझे आकर कहते हैं, कोई बोलता मेरे 25,000 करोड़ लो, कोई 30,000 करोड़, मैं बोलता कौन ज्यादा रेट कम देगा। तो अभी एक बैंक ने 5.85 कोट किया, मैंने बोला इससे ले लो, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। और इसलिए धीरे धीरे दोनों मार्ग से भी आप चलिए। तीसरी एक बात आपने बहुत अच्छी की कि आपने यहाँ पेड़ लगाने के बारे में निर्णय किया, इसको ग्रीन सिटी बनाई है, और आप हमें बहुत खुशी है कि इस रोड के आजू बाजू में काफ़ी बड़े प्रमाण पर ग्रीनरी तैयार करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारा फेज 2 मेट्रो का मंजूर हो रहा है और देवेंद्र जी से अभी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि नागपुर में जो हमारा मेट्रो पूरा हुआ है उसका भी इनॉग्रेशन हमको तुरंत करना है। तो पारडी से लेकर या फिर आगे कनान से लेकर हम बूटीबोरी तक मेट्रो से जाएंगे, और इसके लिए साधारणतः ये काफ़ी फास्ट मेट्रो, अभी ब्रॉडगेज मेट्रो भी हम शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ गुमगांव के पास अच्छा स्टेशन बन रहा है, तो स्वाभाविक रूप से ट्रांसपोर्ट के दृष्टि से आपकी सभी सुविधाएं दूर होगी और इस जगह को प्राइम इम्पोर्टेंस आएगा। रिगार्डिंग लॉ के बारे में यहाँ रिसर्च भी है और नॉलेज भी है, और निश्चित रूप से आदरणीय गवई साहब, नरसिम्हन साहब, हमारे सम्माननीय हाईकोर्ट जज सब यहाँ उपस्थित है। मैं ये मानता हूँ कि हमारे संविधान में जो 4 पिलर है उसमें से हमारी जुडिशियरी, हमारी एग्जीक्यूटिव विंग, लेजिस्लेटिव विंग एंड मीडिया, इन 4 स्तंभों पर हमारी डेमोक्रेसी खड़ी है। फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी के लिए इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड फेयर जुडिशियल सिस्टम सबसे बड़ी आवश्यकता है। जैसे देवेंद्र जी ने कहा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आने के पहले वो हमारे सिस्टम को देखते कि यहाँ क्या स्थिति है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से जैसे जैसे क्वालिटेटिव चेंज हमारी नॉलेज में हो रहा है, और अक्सर हम इस बात के पक्षधर हैं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। मैं लॉ का जब स्टूडेंट था तो मुझे याद है कि हम कॉलेज में पीरियड में सुरेंद्र मिश्रा हमारे कॉलेज में थे, 2 साल सीनियर, तो शशांक मनोहर जी भी मेरे 2 साल सीनियर थे। तो हाईकोर्ट में हम जाते थे और इसलिए जाते थे कि वीआर मनोहर साहब जब आर्गुमेंट करते थे तो उनका सुनने के लिए जाते थे, और आज भी मैं अपने जीवन में उनके आर्गुमेंट को कभी भूल नहीं सकता, द वे इन विच वो आर्ग्यू कर रहे थे। अब ये इसमें काफ़ी बदलाव हुआ है, जस्टिस बोबड़े, जस्टिस शिरपुरकर, जस्टिस गवई, ये सब हमारे मिट्टी से आए, तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम और देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन लीगल सेक्टर इज रियली रियली वेरी वेरी ग्रेट। पर हम लोग धीरे धीरे जो सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की कमिटमेंट कर रहे हैं वो केवल एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस नहीं आएगा तो सिस्टम में भी आएगा, और ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड फेयर सिस्टम आप सबके नेतृत्व में हमें मिली है। केवल एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट हमारे आप सबको, हमारी हर समय मैं करता रहता हूँ कि टाइम इज द बिगेस्ट कैपिटल, और टाइम के कारण मैं अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करता हूँ तो समय के कारण जब मैं मंत्री था, इस बहाने से आपको थोड़ी रिक्वेस्ट करने के लिए आपकी क्षमा मांगता हूँ कि 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के डिले प्रोजेक्ट थे,
और जिसमें 3 लाख करोड़ से एनपीए बैंकों का हुआ था, पर आप सबके सहयोग से हमने जब इसको सुलझाया तो 3 लाख करोड़ के एनपीए से भारतीय बैंकों को बचाया गया। तो कभी कभी सरकार में, एडमिनिस्ट्रेशन में, नॉट टेकिंग डिसीजन इज ए गुड करियर फॉर द ऑफिसर, क्योंकि वो यही सोचते हैं कि डिसीजन करने से विवाद होता है, तो डिसीजन न करना ही अच्छा है ताकि मेरा सीआर अच्छा रहेगा। ऐसे भी बहुत लोग हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, बट हमने एक बात कही कि आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। सो नेचुरली अभी काफ़ी इसमें आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुए, और अभी जब कैबिनेट में विशेष रूप से ट्रिब्यूनल्स और बाकी बातों की चर्चा हुई, तब अक्सर मैं लॉ मंत्री जी को और प्रधानमंत्री को कहते रहा हूँ कि भाई वॉट एवर द डिसीजन मे बी, इट इज़ द राइट ऑफ द जुडिशियरी टू गिव द डिसीजन, इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस बाय एनीबडी, बट इसका टाइम लिमिट जो है वो होगा तो फाइनेंशियली देश को करोड़ों लाखों करोड़ के इससे बचाया जा सकता है। मैंने मेरे आप सामने ही बिकॉज ऑफ डिले, टाइम के कारण देश की बड़े बड़े कंपनियां मिट्टी पीलित हुई वो आंखों से देखा है, और बाद में जब जिनको जस्टिस मिल गया, न्याय मिल गया सरकार से या जुडिशरी से, तब उनकी डेड बॉडी हो गई थी, वो खत्म हो गए थे। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग हमारी ये सिस्टम में आप हमको, मैं कोशिश कर रहा था कि हमारे रोड इंडस्ट्री का, रोड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कोई चेयर यूनिवर्सिटी में बने, हमारी कंपनी लॉ की चेयर बने, और आने वाले समय में वर्ल्ड स्टैंडर्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस के साथ हमारा लॉ का भी नॉलेज और हमारी सिस्टम की अपग्रेड हो अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। और मुझे लगता है कि हमारे लोगों में कोई कमी नहीं है, ना जजेस में कमी है, ना फैकल्टी में कमी है, ना स्टूडेंट्स में कमी है, ना नॉलेज में कमी है, वी हैव गॉट एवरीथिंग विच वी नीड। और इसलिए बहुत अच्छी बात है कि ये लॉ यूनिवर्सिटी आगे चलकर देश के इतिहास में एक ऐसा मील का पत्थर साबित होगी कि जो लॉ फील्ड को, लॉ सेक्टर को निश्चित रूप से और ऊपर जाने के लिए, क्वालिटेटिव रिफॉर्म के लिए मददगार साबित होगी। मैं जानता हूँ कि निश्चित रूप से गवई साहब के नेतृत्व में, गवई साहब और मैं, मुझे सौभाग्य मिला कि जब वो स्टूडेंट थे तो मैं भी स्टूडेंट लीडर था, तब से मेरा उनका बहुत पारिवारिक संबंध रहा, उनके पिताजी से रहा, परिवार से रहा, और आई नो दैट हिज एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी, और उनके चांसलर के रूप में जो उनको विरासत सिरपुरकर साहब और बोबड़े साहब से मिली है वो भी बहुत बड़ी है, और इसलिए उनके नेतृत्व में हमारी नागपुर की ये लॉ यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाए, यही नागपुरियन करके हमारी इच्छा है। और इसके लिए देवेंद्र जी हो, मैं हूँ, नितिन राउत है, बावनकुड़े जी है, समीर मेघे जी, हमारी पार्टी अलग अलग होगी तो भी नागपुर वी हैव गॉट ए गुड एटमॉस्फेयर फॉर गुड कॉज, हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते, बाकी हमारी राजनीति चुनाव में जो चलती है वो चलती है, पर रिगार्डिंग गुड थिंग्स, क्वालिटेटिव थिंग्स विच आर यूजफुल फॉर नागपुर एंड विदर्भ एंड महाराष्ट्र, we are always supported, and that is exactly the good system in Nagpur and Vidarbha. तो आप चिंता मत करिए, हम सब लोग आपके साथ रहेंगे और पूरी ताकत और शक्ति के साथ आपको सहयोग भी करेंगे, और देवेंद्र जी आने के कारण अब अधिकार से वो जिम्मेदारी लेकर पूरे आपका पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पर स्टेट बैंक का अकाउंट चालू रखते रहिए, उनके पैसे के बाद और 50 करोड़ लेकर और एडिशनल प्लान बनाइए और इसको एक्सपांशन करके वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बनाइए, और इसमें आपको योगी गवई जी के नेतृत्व में और हमारे किल्लोर जी को भी मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, ही इज़ वेरी वेरी कैपेबल, मैं बहुत नज़दीकी से उनको देख चुका हूँ विथ ए सोशल कॉन्शियसनेस एंड कन्विक्शन, उनके लाइफ में वो किसान हो, समाज की समस्या हो, उसके लिए सोशल कॉन्शियसनेस के साथ लड़ने वाले वकील के रूप में हम उनको जानते थे, एक ऑनेस्ट एंड फाइटिंग फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल कॉन्शियसनेस, और वो भी अब इसके चेयरमैन है। तो इनोवेटिव मॉडल से इस यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बनाने के लिए जो अच्छा से अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है वो बन गया है, और वो मैथमेटिक्स का सिद्धांत तो मैं अक्सर याद रखता हूँ कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट वेन ए एंड बी कम्स टूगेदर, थिंक्स टूगेदर एंड वर्क्स टूगेदर, ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, and as twice AB is a result of collective team spirit, so collective qualitative good team spirit behind the university is the basic strength of the university, and uske sath ye world ki best hamari university banegi,
इंस्टीट्यूशन बनेगी। इसी शुभकामना के साथ बच्चों को, विशेष रूप से हमारे विद्यार्थी मित्रों और मित्रों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए। और अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।